पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन ने जनपद मुरादाबाद के सभी विकास खंड अधिकारियों को निर्देशित किया कि आज प्रवासी मजदूर और शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सुरक्षा जवान की भर्ती कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें SIS इंडिया लिमिटेड देहरादून और भारतीय सुरक्षा दक्षता परिषद नई दिल्ली का भी सहयोग रहेगा। यह आयोजन 23 फरवरी से 3 मार्च तक सभी विकास खंड स्तर पर आयोजित होगा। SIS के डिप्टी कमांडर राम किशन सिंह ने बताया कि इसमें चयनित अभ्यर्थियों को देहरादून में प्रशिक्षण देने के बाद स्थायी नियुक्ति दी जाएगी। इस भर्ती में 10वीं पास और ग्रेजुएशन पास लोग आवेदन कर सकते हैं। जी सर, SIS इंडिया लिमिटेड की तरफ से सिक्योरिटी गार्ड का भर्ती निकाला गया है। यहाँ पर उन बच्चों को हम लोग रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं जो बेरोजगार प्रवासी मजदूर लोग हैं, उनको हम लोग ब्लॉक स्तर पर हम लोग सिक्योरिटी गार्ड का यहाँ पर रोजगार मेला एक लगाया गया है। क्या फॉर्म भरा है, क्या सुविधा है? जी सर, यह जो भर्ती हो रही है वो मुख्य विकास अधिकारी के मार्गदर्शन में यह हम भर्ती कार्यक्रम कर रहे हैं। इनमें उन बच्चों को हम भर्ती करते हैं सर जो कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण किए हों, ऊंचाई 168 सेंटीमीटर और उनकी आयु 21 वर्ष से 37 वर्ष हो, उन बच्चों को हम लोग यहाँ पे जॉब वगैरह प्रोवाइड कराएंगे। सर, क्या सर ये सरकार से संबंधित है, ये जानकारी देने जा रहे हैं? सर, ये SIS इंडिया लिमिटेड पसारा एक्ट 2005 केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के उसमें से रजिस्टर्ड की गई है और जो अभी पूरे उत्तर प्रदेश में इसका कार्य क्षेत्र है और उसी के बिहाफ में हम लोग यहाँ पर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के उसमें हम लोग जॉब वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं। इस भर्ती में बहुत सिंपल सा दस्तावेज लगेगा, इसमें 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी, एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी और एक फ़ोटो है और जो लड़का सिलेक्ट होगा, इच्छुक होगा, उनका ₹350 पंजीयन शुल्क लगेगा। सर, इसमें कुछ जो लोग सिलेक्ट होंगे उनका बीमा भी कराया जाएगा? जी 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 सर, उनका प्रोविडेंट फंड है, ग्रेजुटी है, वेतन में वृद्धि है, 1,00,000 से 6,00,000 रुपये तक का सेवा स्टेट एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से इनका वेलफेयर दिया गया है 1,00,000 से 6,000 रुपये तक का, 6,00,000 रुपये तक का, और ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस की तरफ से इनको और इनके परिवार को इलाज कराने की निःशुल्क सुविधा रहेगी। सर, पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।